महामारी के बढ़ते संकट के बीच देश में ऑक्सीजन की मांग में बेताशा बढ़ोतरी हुई है। कई अस्पतालों से ऑक्सीजन की कमी की खबरें सामने आई हैं। इस मुश्किल घड़ी में रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने भी ऑक्सीजन की बढ़ती मांग की आपूर्ति के लिए अपने ऑक्सीजन प्लांट से 1210 किलोग्राम तरल ऑक्सीजन गुरु नानक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल अमृतसर को सप्लाई की है। देश में बढ़ रहे कोविड मरीजों की संख्या की वजह से कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी आई है। इसी वजह से इस सप्लाई को पूरा करने के लिए रेलवे ने कई कदम उठाए हैं। इनमें सबसे बड़ा कदम है अब मेडिकल ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाना, जिससे कि भारतीय रेल देश के कोने कोने में ऑक्सीजन की सप्लाई को बहुत ही तीव्र गति से पहुंचा रही है। इन्हीं सब प्रयासों में आरसीएफ ने भी एक पहल की, जिसके तहत हमने अमृतसर मेडिकल कॉलेज को 1200 किलो ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोवाइड कराई। हमारे पास यह ऑक्सीजन हमारे स्टोरेज टैंक में पड़ी रहती है, जिसका प्रयोग हम स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग इत्यादि में करते हैं। यह ऑक्सीजन आरसीएफ ने अपने खर्चे पर ही उनको उपलब्ध कराई है, ताकि जो है वह यह ऑक्सीजन वहाँ के मरीजों के काम आ सके। ऑक्सीजन देने से हमारी उत्पादन पर थोड़ा असर जरूर होगा, बट उस असर से ज़्यादा ज़रूरी आज के समय में कोविड मरीजों की जान बचाना है। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.